प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 महीने पहले लाल किले से मैंने कहा था कि यही समय है, सही समय। आज दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, थिंकर सभी कह रहे हैं कि इट इज इंडियाज मोमेंट। साथ ही ये भी कहा कि पहले घोटालों की खबरें ज्यादा आती थी, आज भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की न्यूज आती है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच 2047 की समीक्षा करेंगे और अन्य कार्यों की भौतिक प्रगति भी देखेंगे। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। टेढ़ी बाजार, कौशलेश कुंज, अमानीगंज में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग देखेंगे। निर्माणाधीन बड़ी बुआ रेलवे ओवर ब्रिज, मऊबरा, आरओबी आदि का निरीक्षण करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से एयरपोर्ट तक फोर लेन सड़क, दर्शन नगर में सूर्यकुंड के सौंदर्यीकरण आदि का निरीक्षण करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया 100 में से 100 नंबर लेकर जल्द लौटेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान मनीष जी की परीक्षा ले रहे रोहिणी में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस के तहत नई स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन करने पहुंचे। मुखिया ने कहा कि आज हमारे साथ मनीष जी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, बोले कि सर मनीष जी की बहुत याद आ रही है। तो मैंने उनसे कहा कि याद तो हमको भी बहुत आ रही, उनके ऊपर बिल्कुल झूठे केस लगाए गए, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। सोनभद्र जनपद में 72 घंटे की हड़ताल पर बैठे अधिकारी और कर्मचारियों पर FIR दर्ज कर ली गई है। ये FIR ओबरा और अनपरा थाने में दर्ज की गई। ओबरा और अनपरा परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। ओबरा थाने में परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक ने 25 अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराया। राहुल गांधी ने लंदन में अपने भाषण के बारे में विस्तार से बात की। भाजपा ने आरोप लगाया कि उन्होंने विदेश में लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश का अपमान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल भारत के लोकतंत्र के बारे में सवाल उठाए और इसके लिए उन्हें राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। विदेश मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक संसदीय सलाहकार समिति में साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने किसी अन्य देश को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा है। पाकिस्तान में आयात पर रोक लगाकर व्यापार घाटा कम करने की कोशिश के कारण बेरोजगारी का संकट तेजी से बढ़ रहा है। उत्पादन में कमी, बड़ी संख्या में कंपनियां कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन को कम कर रही या परिचालन बंद कर रही है। दर्जनों कंपनियों ने हाल ही के महीनों में उत्पादन बंद करने के नोटिस जारी किए। व्यापार संतुलन में सुधार के लिए कच्चे माल के आयात पर अंकुश लगाना एक बड़े संकट को जन्म दे रहा। अमेरिका में आए बैंकिंग संकट के बाद में शेयर बाजार समेत म्यूचुअल फंडों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के धराशायी होने के बाद पिछले सप्ताह बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों में 6% तक की गिरावट हुई। बैंकिंग संकट से वैश्विक वित्तीय प्रणाली को झटके लगे और भारत में बैंकिंग क्षेत्र को लेकर निवेशकों की भावनाएं कमजोर हुई। बैंकिंग शेयरों में 3-13% की गिरावट आई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। जनगणना 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा होगा। अखिलेश ने इस दौरान विपक्षी मोर्चे के फार्मूले पर भी बयान दिया। साथ ही अखिलेश ने की जाति जनगणना की मांग की। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2 सरकार के समय कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना करवाने का वादा किया था, पर बाद में वह इससे पीछे हट गई थी। विद्या बालन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह गाना गाती नजर आ रही है। विद्या बालन बंगाली फिल्म अंतहीन का गाना जाओ पाखी बोलो बज रहा है जिसे वह बड़े शानदार तरीके से गुनगुना रही है। विद्या बाला की खूबसूरत लग रही है, फैंस को काफी पसंद आया। दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को 26 ओवर में मैच 117 रन पर समेट दिया। स्टार्क ने 8 ओवर में 1, मेडन ने 53 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि डीन एबॉट ने 3 और नाथन एलिस ने 2 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक 31 रन बनाए, अक्षर पटेल 29 रन बनाकर नाबाद रहे।